जैसा आप भीम देख सकते हैं, भीम जी अभी इस पेड़ से अभी आम तोड़े हुए हैं और इनको भूख लगी, तुरंत देख के लालच आ रहा हूँ, डाल के मारेंगे ना पड़ेगा। देख रहा है कितना आम है, दिखेगा? गलत वर्ड बोल रहे हैं, आम है, दिखा, दिख रहा है तेरे को? ज़ूम करेगा दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। आप कितना देर लगा रहे हैं, जल्दी कीजिए आप। बस सर तुरंत हो रहा है। ठीक है, एक हमारे मजू भैया लगे हुए, देखिए लैला के साथ लगे हुए हैं, उनको बुलाया जाता है तो वो अपने किनारे ही रहते हैं। आइए वीरेंद्र जी, सामने आइए। आइए वीरेंद्र जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे राजू भैया जी अभी लकड़ी तोड़ रहे हैं, यहाँ चूल्हा बनाए हुए हैं ताकि लकड़ी तोड़ के यहाँ पे जलाया जा सके और यहाँ बनाया जा सके, जो हम लोग आज का रेसिपी है। तो विकास भैया जी अभी बोल रहे हैं कि घोंघी जो हम लोग पकड़े हैं आज खेत से सुबह सुबह, देख सकते हैं ये वाला, इसमें अभी इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा अभी धोएंगे। चलिए उसके बाद फिर उसको धोने के बाद बॉयल किया जाएगा जैसे विकास भैया जी बोल रहे हैं। अब इसे आज तक मैंने नहीं खाया हुआ है। इसे आपको पकड़ने में कितना टाइम लगा विकास जी? एक घंटा कम से कम। एक घंटा में इतना आप पकड़ लिए? ये खेत में मिली ना? ये मौसमी घोंघा है। अच्छा, जो कि बरसात के पानी के साथ बहता हुआ आता है। अच्छा, तो इसे खाने तो बरसात का मौसम नहीं है, फिर भी पानी पड़ा तो ये तो बता सकते हैं इसे खाने से क्या फ़ायदा है? इससे इसको खाने से आँख को बहुत ज़्यादा फायदा है, आँख की रोशनी के लिए, आँख के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। मतलब आँख तेज करना है तो खा सकते हैं इसे ना। आइए पानी दीजिए इनको। चला चला चलो चला दीजिए, इसमें थोड़ा प्रोटीन भी पाया जाता है। बस 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 इसको चलाया चला। इसे अब क्या करने जा रहे हैं? इसको अब बॉयल करेंगे। अच्छा राजू जी आप क्या कर रहे हैं? अभी तक चूल्हा नहीं जलाया अभी आपको माचिस दिया ना? चलिए चलिए जलाइए, अभी पता चलेगा कि राजू जी का स्किल कैसा है आग जलाने में। टीवी चाहिए। ये कहाँ से प्लास्टिक ढूंढ के लाए हैं, इसी से जलाने को कोशिश हो रही है। देख सकते हैं कि ये अब बॉयल होने के लिए तैयार हो गई हैं और इसे मैं बॉयल होने के लिए थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। अरे तब बिका जी ये बॉयल हो चुका है ना? बॉयल हो चुका है ये, अब इसको निकालना है। अब दिखाते हैं आपको निकाल के कैसे निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो वीरेंद्र जी बताइएगा कि कैसे निकलता है ये? बस इधर से इसको डालना है, इसे आराम से घी देना है, ये हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये निकल गया बिना कोई परेशानी का। तब देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे कितना मेहनत करते हुए और ये जो क्या बोलते हैं इसको घोंघा, ये जो घोंघा है इसे ये देखिए बॉयल किया हुआ है और इसे फिर इसे निकाला गया, इसमें उसका मेन पार्ट जो हम लोग खाएंगे, देख सकते हैं। देख सकते हैं कि वीरेंद्र कुमार कैसे मैजिक कर रहे हैं यहाँ पे। आज इन्हें क्या कमांड दे दिया, ये तो आग लगा दे रहे हैं।
ये नमक है ना, आप इसलिए हल्दी दिया पहले। ये जीरा पाउडर है, गरम मसाला है। थोड़ा दर्शकों को भी सही सही चीज़ बताएं। गरम मसाला, तो गोलकी पाउडर, बस बस। ये हल्दी, जीरा पाउडर है, चलो हो गया। इसको मिक्स करो, चटोस करो, चटोस करो। काम भला करो, देख सकते हैं इतना मेहनत जो हुआ है बस इतना से के लिए हुआ है, इतना मेहनत जो हुआ है बस इतने के लिए हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। विकास जी टेस्ट करके बताइए कैसा लगा, कैसा लगा, मजा आया? चले ठीक है, बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। अच्छा क्या मजा आ गया। तो देख सकते हैं सब प्रसादी की तरह खा रहे हैं इसे, कभी टेस्ट नहीं किए थे लेकिन पहली बार टेस्ट कर रहे हैं और मतलब लाजवाब से भी लाजवाब है। आपको कैसा लगा राजू जी? जय हो, एक नंबर। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है।